हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे इस हैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूंगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइन्स को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस हम कम्प्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊँगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फिंगर्स को, फिंगर्स काफ़ी अच्छी नज़र आ रही हैं और ख़ास तौर पे इनकी मर्करी फिंगर की लेंथ जो है वो काफ़ी अच्छी दिखाई दे रही है। तो बहुत ही अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स इनके अंदर रहने वाले हैं और साथ ही साथ काफ़ी अच्छी बिजनेस की नॉलेज भी इनको रहेगी। और अगर देखा जाए तो यहाँ पर काफ़ी बड़ा गैप शो हो रहा है इनकी मर्करी फिंगर के बीच में और पोलो के बीच में। तो यहाँ पर जो गैप है यह इनकी इंडिपेंडेंट अप्रोच ऑफ नेचर को शो करता है और लगभग थोड़ा सा गुस्से वाला स्वभाव भी इनका रहेगा, ज़िद्दी नेचर भी रहेगी और अपने सारे फैसले खुद से लेना और उनके ऊपर पूरी जिद से, एक तरह से पूरी मर्जी से अपने से काम करना यह इनका स्वभाव रहने वाला है। और अगर देखा जाए इनकी अपोलो फिंगर भी मुझे काफ़ी अच्छी लेंथ में नज़र आ रही है। अपोलो जो है सैटर्न के टॉप तक ही पहुँचती है नज़र आ रही, तो काफ़ी अच्छी अपोलो फिंगर और साथ ही साथ अपोलो लाइन भी इनके हाथ में काफ़ी अच्छी है। आपको दिखाना चाहूँगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं अपोलो लाइन काफ़ी स्ट्रांग अपोलो लाइन है, अपोलो फिंगर काफ़ी अच्छी है जो इनके लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। काफ़ी अच्छी आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ इनके अंदर रहेंगी और नेम एंड फेम भी मिलने के चांसेस हैं, क्योंकि अभी यह लाइन एक्टिवेट होनी चाहिए क्योंकि काफ़ी लंबी लाइन है और इनकी रिकॉग्निशन और पहचान भी काफ़ी अच्छी रहेगी। और सैटर्न की बात की जाए तो सैटर्न फिंगर भी मुझे अच्छी दिखाई दे रही है, अच्छी लेंथ में है, फर्स्ट फैलेंज काफ़ी स्ट्रांग है, तो सैटर्न की तरफ से काफ़ी इनको लाभ मिलने वाला है। थोड़ी सी ओवरलैपिंग है सैटर्न की लाइन में, लेकिन फिर भी इतना ज़्यादा प्रभाव उस ओवरलैपिंग का इनके ऊपर नहीं पड़ेगा। अब बात करते हैं बृहस्पति फिंगर की। बृहस्पति फिंगर थोड़ी सी शॉर्ट हो रही है, लेकिन बृहस्पति माउंट काफ़ी अच्छा यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो बृहस्पति की तरफ से भी अच्छे फल इनको मिलने चाहिए। थोड़ी सी लीडरशिप क्वालिटीज़ में कमी रह सकती है क्योंकि फिंगर का साइज़ जो है थोड़ा सा शॉर्ट नज़र आ रहा है। ओवरऑल फिंगर्स काफ़ी अच्छी नज़र आ रही हैं यहाँ पर, काफ़ी फ्रेंडली नेचर मैं देख पा रहा हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, चेक करते हैं फिंगर्स की सेटिंग को। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फिंगर्स की सेटिंग में अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ तो कुछ इस तरह की लाइन बनकर सामने आ रही है, जो बहुत ही अच्छी और क्लियर लाइन बन रही है। बिल्कुल भी डाउनवर्ड कोई भी माउंट नहीं जा रहा, सारे के सारे माउंट्स को अच्छी स्पेस मिल पा रही है। तो यहाँ पर कोई भी कमी नहीं है, कोई भी फिंगर लो सेट नहीं है। तो माउंट्स को चेक करना चाहिए आगे बढ़कर, देखते हैं माउंट्स के ऊपर क्या इंडिकेशंस हैं जो इनको खास बनाती हैं। तो सबसे पहले तो मर्करी माउंट की ही बात करना चाहूँगा। मर्करी माउंट के लिए काफ़ी अच्छी लाइन नीचे से चलकर आ रही है जो बिजनेस एक्यूमन को शो करती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा बिजनेस करने का इनका एक माइंड सेट रहेगा और यहाँ पर दो लाइनें ऊपर की तरफ उठ रही हैं, काफ़ी एक्सपर्ट यह रहने वाले हैं बिजनेस में। और साथ ही साथ आप यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी सारी सीधी रेखाएँ, सिर्फ एक मर्करी माउंट ही ऐसा माउंट होता है जिस पर काफ़ी सारी खड़ी रेखाएं होना काफ़ी शुभ माना जाता है। यहाँ पर इस तरह की रेखाएं बनना एक तरह से मेडिकल स्टिग्माटा भी इसको कहा जाता है। और ऐसे व्यक्ति काफ़ी अच्छे हीलर्स भी होते हैं, अपनी काउंसलिंग से, अपनी बातों से दूसरों के दुख दूर करने की कैपेसिटी होती है इनके अंदर। बहुत से लोग तो जिनके हाथ पे ऐसी लाइंस होती हैं मेडिकल फील्ड में भी देखे गए हैं या किसी न किसी तरह से सोशल वर्क में जुड़े होते हैं ऐसे लोग। तो यहाँ पर यह काफ़ी अच्छा चिन्ह है इनके हाथ में, तो यहाँ पर कहा जा सकता है कि इनका जो मर्करी है वो काफ़ी प्रोमिनेंट है। और उसके साथ ही यहाँ पर लूप ऑफ ह्यूमर भी बन रहा है, आपको दिखाना चाहूँगा लूप ऑफ ह्यूमर जो मर्करी और सूर्य माउंट के बीच में बनता है। यहाँ पर जो घुमावदार लाइनें होती हैं आपको ड्रॉ करके दिखाना चाहूँगा, कुछ इस तरह की लाइंस जो ऐसे घूम रही हैं गुलाई में, तो इस तरह की लाइन से बनने वाला जो लूप होता है यहाँ पर, इसको लूप ऑफ ह्यूमर का नाम दिया जाता है। ऐसे व्यक्ति काफ़ी हद तक हंसमुख होते हैं और अच्छे स्वभाव के होते हैं। उसके साथ साथ यहाँ पर कॉन्ट्राडिक्टरी एक दूसरा लूप भी बन रहा है जिसको लूप ऑफ सीरियसनेस कहा जाता है। तो इनके हाथ में दोनों तरह के लूप मौजूद हैं, लेकिन लूप ऑफ सीरियसनेस ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो थोड़ा सा गंभीर स्वभाव भी इनका रहेगा, लेकिन ज़्यादातर टाइम्स पर यह हंसमुख रहने वाले हैं। आगे चेक करते हैं सूर्य माउंट को।
सूर्य माउंट थोड़ा सा दबा हुआ है, लेकिन सूर्य की लाइन बहुत अच्छी है इनके हाथ में, जो इनको काफ़ी हद तक आर्टिस्टिक बनाती है। अब देख सकते हैं यहाँ से सूर्य लाइन का निकलकर सूर्य माउंट तक पहुँचना, और ऊपर कुछ ओवरलैपिंग के साथ भी लाइन चल रही है, यहाँ से कुछ इस तरह की लाइन और कुछ यहाँ पर ऊपर, तो काफ़ी अच्छा सूर्य रहेगा इनका। और गवर्नमेंट की तरफ से भी बेनिफिट्स मिलते हैं, और इवन पॉलिटिक्स में भी यह ट्राई कर सकते हैं। बेशक बहुत ज़्यादा स्ट्रांग इनकी जो बृहस्पति फिंगर नहीं है, लेकिन फिर भी इस लाइन के होने की वजह से चांसेस काफ़ी अच्छे रहेंगे इनके सक्सेस के। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सूर्य माउंट के बाद यहाँ पर मैं चेक करने जा रहा हूँ इनकी सैटर्न माउंट को। तो सैटर्न माउंट आप देख सकते हैं, सैटर्न माउंट काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है मुझे, उभरा हुआ सैटर्न माउंट है, और यहाँ पर एक लाइन जो लगभग यहाँ तक पहुँच रही है, और उसके बाद एक लाइन और आगे। तो यहाँ पर कुछ ओवरलैपिंग है जो शो करती है कि 50 प्लस की एज में यह कुछ चेंजेस कर सकते हैं प्रोफेशन में, और जो दूसरा प्रोफेशन होगा वह आगे लीड करेगा, और जो कोई प्रोफेशन यह अभी कर रहे होंगे इसको हो सकता है यह कुछ देर कंटिन्यूस दो प्रोफेशंस इकट्ठे दो प्रोफेशंस पे काम करें, और उसके बाद पुराने वाले प्रोफेशन को छोड़कर नए प्रोफेशन में आगे बढ़ जाएं। कुछ इस तरह की इंडिकेशन यहाँ पर मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो काफ़ी अच्छी लाइन है यहाँ पर इनकी सैटर्न की, और काफ़ी अच्छी लाइन यहाँ पर बन रही है सूर्य की। तो काफ़ी अच्छा ग्रेट ट्रायंगल बन रहा है जिसको हम कह सकते हैं, तो बेनिफिशियल है इनके लिए, काफ़ी सक्सेस रहेगी इनकी लाइफ में। आगे देखते हैं यहाँ पर बृहस्पति माउंट, आप देख सकते हैं बृहस्पति माउंट काफ़ी उभरा हुआ है, जो ट्राइरिडल यानी कि अपेक्स है वो थोड़ा सा शिफ्टेड है, आप देख सकते हैं, जो इसको थोड़ा सा वीक करता है, क्योंकि यह बिल्कुल सेंटर में नज़र नहीं आ रहा, ट्राइरिडल थोड़ा सा सैटर्न की तरफ शिफ्ट हो रहा है। ओवरऑल माउंट अच्छा है, तो इसके बेनिफिट्स तो इनको ऑब्वियसली मिलेंगे ही मिलेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं लाइंस को। तो सबसे पहले हार्ट की लाइन की बात करने जा रहा हूँ, आप देख सकते हैं थोड़ी सी ओवरलैपिंग है हार्ट की लाइन में यहाँ पर, लेकिन काफ़ी अच्छी हार्ट की लाइन, और जो कमेंसमेंट है हार्ट की लाइन की वह सैटर्न के नीचे से होती हुई नज़र आ रही है। तो सैटर्न के नीचे से शुरू होना लाइंस का, इस लाइन का, तो यह शो करता है कि मटेरियलिस्टिक अप्रोच रहेगी लाइफ के प्रति, ज़्यादा इमोशनल पर्सनैलिटी इनकी नहीं रहने वाली। 55 के आसपास की एज में थोड़ा सा इनको अपने हार्ट का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि 55 के आसपास की एज में थोड़ी सी ओवरलैपिंग है जो इनको हार्ट रिलेटेड या कोई ब्लड प्रेशर रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम दे सकती हैं। ओवरऑल हार्ट की लाइन अच्छी है, कोई भी मेजर प्रॉब्लम मुझे यहाँ इनकी हार्ट की लाइन में नज़र नहीं आ रही। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं माइंड की लाइन को, माइंड की लाइन इनके बारे में क्या इंडिकेशन दे रही है, इस चीज़ को देखते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं माइंड की लाइन काफ़ी स्ट्रेट है इनके हाथ में, और काफ़ी लंबाई में है लाइन माइंड की, और झुकाव नहीं है बिल्कुल भी, तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि सीधी लाइन का होना व्यक्ति को प्रैक्टिकल बनाता है। जैसे हमने देखा है इनकी हार्ट की लाइन भी बिल्कुल सीधी है, तो प्रैक्टिकल पर्सनैलिटी है, बहुत ज़्यादा इमोशंस इनके अंदर नहीं रहने वाले, और बहुत ही प्रैक्टिकल बात करने वाले हैं ये, और काफ़ी शार्प माइंड भी मैं देख पा रहा हूँ, काफ़ी शार्प माइंड, स्टडीज़ में भी अच्छा इन्होंने परफॉर्म किया होगा, और काफ़ी अच्छे लर्नर के तौर पर इनको मैं देख पा रहा हूँ। और उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं जो लाइन ऑफ मर्करी है वो काफ़ी अच्छी तरह से मनी ट्रायंगल फॉर्म कर रही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस साइज़ का मनी ट्रायंगल बन रहा है जो काफ़ी अच्छे और बड़े साइज़ में है। तो पैसे रिलेटेड दिक्कतें तो मुझे कोई भी नज़र नहीं आ रही इनके हाथ में, काफ़ी अच्छा पैसा ये स्टोर कर पाएंगे, काफ़ी अच्छा पैसा जमा कर पाएंगे, तो यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम ऐसी नहीं है। काफ़ी शार्प माइंड रहेगा, माइंड की लाइन का अच्छा होना, और यहाँ पर तो इनके तो हाथ में दो तीन ऐसी लाइनें हैं जो इनको बहुत अच्छा बिजनेस पर्सन बना रही हैं, और साथ ही साथ जो रिकॉग्निशन की लाइन है वो भी अच्छी है, नेम एंड फेम रहने वाला है, और जो लाइन है सैटर्न की वह भी अच्छे कोर्स में चल रही है। तो ओवरऑल यहाँ पर कोई भी दिक्कत नज़र नहीं आ रही पैसे संबंधी, थोड़ा बहुत अप एंड डाउन रह सकता है जब ये प्रोफेशन चेंज करने के मन बनाएंगे, तो उस एज में चलकर थोड़ा सा अप एंड डाउन हो सकता है, अदरवाइज कोई भी दिक्कत यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही। आगे चेक करते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी लाइफ लाइन को, लाइफ की लाइन जो है काफ़ी अच्छे कोर्स में चल रही है, और बिल्कुल स्ट्रेट है, बाहर की तरफ लाइन का ना निकलना इनको फैमिली के साथ जोड़ता है,
और वीनस माउंट का अच्छा होना शो करता है कि हर तरह की सुख सुविधाएं इनकी लाइफ में रहेंगी, कोई भी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक थिंग नहीं है लाइफ की लाइन में। कुछ सेटबैक्स हैं जो अर्ली एज में यहाँ पर 30 की ऐसे पहले की एज में दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आगे कोई भी ऐसी मेजर प्रॉब्लम नहीं है। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक या दो सेटबैक्स हैं जो लगभग 25 और 23 की एज में मुझे दिखाई दे रहे हैं, उसके बाद काफ़ी अच्छी लाइन है, तो कोई भी प्रॉब्लमेटिक थिंग नहीं है। तो लाइफ जो है इनकी काफ़ी लंबी रहने वाली है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो लाइफ है इनकी कुछ इस साइज़ की लाइन 85 से 90 के आसपास की एज इनकी रहने वाली है। कोई भी मेजर प्रॉब्लम मुझे यहाँ पर इस लाइन पे नहीं दिखाई दे रही। जो एक या दो शॉर्ट प्रॉब्लम्स दिखाई दे रही थी, हार्ट की लाइन में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, और दूसरा यहाँ पर एक स्ट्रेस लाइन जो माइंड की लाइन को और हार्ट की लाइन को काट रही है, यह थोड़ी सी इनको हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम दे सकती है, लेकिन यह उन सभी प्रॉब्लम्स को ओवरकम कर जाएंगे, क्योंकि लाइफ की लाइन जो सबसे मेन लाइन है वह बहुत अच्छी है। इसमें कोई भी ऐसी प्रॉब्लम की कंफर्मेशन नहीं हो रही जो इनकी लाइफ के लिए रिस्क हो, तो काफ़ी अच्छी लाइफ और काफ़ी लंबी एज यह एंजॉय कर पाएंगे। थोड़ी सी वरी लाइंस हैं जो थोड़ी सी वरीज इनको दे सकती हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ चिंताएं यहाँ पर इनके हाथ में शो हो रही हैं। ओवरऑल काफ़ी अच्छा वीनस माउंट है, तो कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है इनको, काफ़ी स्ट्रांग लाइंस हैं इनकी, काफ़ी अच्छी लाइफ को यह इंजॉय कर पाएंगे। तो यह मेरा एनालिसिस था इनके हैंड के बारे में। फिर भी कोई ना कोई क्वेश्चन रह जाता है, क्योंकि मैं कोशिश तो करता हूँ कि सारे सवालों के जवाब एक ही वीडियो में दे पाऊँ, लेकिन फिर भी अगर कोई क्वेश्चन रह गया हो तो इनसे रिक्वेस्ट है कि मुझे व्हाट्सएप पे या ईमेल पे अपना क्वेश्चन सेंड करें, ताकि दोबारा से इनके हाथ को चेक करके इनके सवालों के जवाब मैं टाइमली मैनर पर इन्हें दे सकूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ मेरा यह चैनल भी सब्सक्राइब करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।